तो दोस्तों इन्होंने अपनी सारी जो डाइट है ना ये देखें सारी गिरा दी है। तो दोस्तों काफी टाइम हो गया था मैंने आप लोगों को अपनी बर्ड अवेरी जो छोटा सा मिनी सा सेटअप है केक का वो नहीं दिखाया। ये रहा दोस्तों डार्क ब्लू वाला मेल है, ये अंदर की तरफ ऊपर वाला ये रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हीरा का पेयर हर बार की तरह सबसे पहले जिन्हें मैं खुलता हूँ वो खुले हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी अभी मैं ये जो हमारी महारानी साहिबा हैं गलवा इनको बंद करके गया हूँ। यार ये पहले ना सच सच बात बताऊँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पहले व्लॉग में भी, ये पहले इतना डरती थी हमारे नीचे के सेटअप पे, इससे भी डरती थी मादी से, और जो हमारी ये गंजी मुर्गी है जो अंडों पे बैठी थी इससे भी डरती थी। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, अब तो भाई ये गंजी को भी मार रही है और इसको भी मार रही है, सब सबसे लड़ रही है और सबको मार रही है, भगा रही है डरा के। अब मेरे समझ से बाहर है भाई इसको क्या हुआ अचानक, और कुछ तो हुआ होगा। खैर बाकी इसका डर ख़त्म हो गया है और कैसे हुआ है मुझे कुछ भी इस बात का नहीं है किस तरीके से हुआ है। खैर दोस्तों अब हमारी जो कंदारी हैं और असील, इनकी यार डाइट डाल दूँ मैं, इनको अंदर ही डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जगह निकलना है आज काम से, तो वहाँ पहले जाएंगे पहले इनको डाइट डाल देते हैं भाई। तो ये रही दोस्तों इनकी डाइट और ये है फीड। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा जो जो मेरे भाई वगैरह जो देख रहे हैं मुझे इस वक्त वीडियो में, तो जिन जिन के पास बच्चे हैं ये छोटे कोई से भी असील के हों देसी के हों कोई भी नस्ल हो, तो उनको लाजमी दिया करें फीड। फीड काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी साइज़ बढ़ाती है आपके जो चूज़े होते हैं उनका। चलो भाई इनको जल्दी से दूँ, चलो 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 पीछे हटो। और दूसरी बात दोस्तों ये है ना इसको बहुत शौक से खाते हैं और इसके अंदर जो हर चीज़ के वो बोलते हैं ना कि विटामिन कैल्शियम सब मिला हुआ होता है, तो ये हमें देनी चाहिए इन्हें लाजमी फीड। यार इसके पिंजरे में हाथ डालने से मुझे बड़ा डर लगता है, वो देखें ऊपर ही खड़ा हुआ है सामने, ये पे नीचे तो काटता था अभी देखते हैं क्या करता है। आजा भाई यार किसने लगाया है ये, डब्लू लग रहा है बिल्कुल, ये देखें वो नहीं था फिल्म के अंदर, कौन सी फिल्म थी धमाल, उसका डब्लू। अरे 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 डरो मत यार, ये डरते बहुत हैं, इस चक्कर में ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक मिनट बंद। तो दोस्तों इन्होंने अपनी सारी जो डाइट है ना ये देखें सारी गिरा दी है, ये मैंने बाहर निकाली है और आधी यहाँ गिरी हुई सारी की सारी। पता नहीं क्यों इतना डरता है ये बच्चा, अजीब खौफ है इसके दिल में किस बात का पता नहीं, पता नहीं था ना ऐसे इसके दिल में ऐसा खौफ बैठ गया, ये बाहर ही नहीं निकलता है अब डर के मारे। अब इनकी ये डाइट थोड़ी करीब रख दें इस तरफ करके हम अंदर, ताकि ये इधर खा लें। जानवर की भी दोस्तों एक ना खासियत होती है कि उसकी जब जगह चेंज होती है ना वो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो हमारे बच्चे हैं ना ये थोड़े माइंड से डिस्टर्ब हुए कि यार हम अचानक कहाँ आ गए, तो इस वजह से उनकी भी कंदारियों की खुराक कम हुई है, वरना नीचे तो ये छोड़ते ही नहीं थे खाना, पर इधर जो है ना ये थोड़ा खाने में से खिंच के रह रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, सेट हो जाएंगे खुद ही इंशाल्लाह। यार मुझे ना दोस्तों ये जो है ना हमारा पापोश कबूतर इसके नीचे जो बफकंड है उसका वेट है, बस जल्द से जल्द वो आए, मुझे बच्चा देखना है यार ये ख़राब ना हो, बड़े दिल से रखा हुआ है मैंने इसके नीचे। बस वैसे मेरे दादा सादा आधे दादा अंडे तो ख़राब ही हुए हैं, बल्कि आधे दादा के सारे ही ख़राब हुए हैं, अभी तक बच्चा निकला ही कहाँ है, वो पहले बच्चे निकले थे जो ये बड़े हो गए और उसके बाद से हमारे यहाँ बच्चे नहीं निकले, अब वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गए अंडा या क्या, और ये माना ही साहब तो अपना अंडा ही खा गई माशाल्लाह से, उसके बाद इन्होंने अंडा ही नहीं दिया। बाकी दोस्तों इसका अंडा यार दुआ कीजिएगा आप लोग कि अल्लाह करें हमारा बफ का बच्चा निकला है। हमारे हीरा की हरकत चेक करें, वैसे इसको मैं यहाँ पर डाइट दे रहा था, यही मैंने नीचे रख के दी थी सारा का सारा खाना, उसके अंदर चावल और वो गोभी वगैरह है पता नहीं क्या कटी हुई, तो दोस्तों इसने मुंह तक नहीं मार रहा था ये मुंह तक, और अभी देखें ऊपर मुंह कर करके खा रहा है, वो सही है इसके लिए, अभी भी वहाँ से उठा उठा के खा रहा है और नीचे मुर्गियों को भी खिला रहा है, ये क्या इनकी सोच होती है, कुछ समझ से बाहर होता है कभी कभी। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया था मैंने आप लोगों को अपनी बर्ड अवेरी जो छोटा सा मिनी सा सेटअप है केक का वो नहीं दिखाया, नीचे तो खैर हम बड़ा कर रहे थे उसको, दो तीन पिंजरे और लगा के लगाते, पर यहाँ पे तो अभी सिर्फ एक ही है, तो आज मैं आप लोगों को इसकी अपडेट देता हूँ कि ये कैसी जा रही है। तो दोस्तों पहले ही तो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ हमारी डव्स, ये देखें तो हमने ऊपर सेटअप कर दिया था डव्स का, और आपको याद होगा हमारी जो एक कबूतरी मर गई थी उसका मेल दिखाऊँ मैं आपको। ये रहा दोस्तों डार्क ब्लू वाला मेल है, ये अंदर की तरफ ऊपर वाला ये रहा, ये वाला मेल है, और ये जो मेल है ये इसकी मादी गाय है यार, वो रही दोस्तों इसकी मादी वो बैठी हुई, और वो जो छोटू मियाँ है ना वो जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं वो अंदर की तरफ दोस्तों बजी, वो हमारे जो मैंने हैकल के साथ करा था जैकल वो हैं,
तो एकल तुम्हारा मर गया था, बड़ा प्यारा बजी था, वो तो बैठता था मेरे साथ, वो फुली टेम था। ये जो था ये थोड़ा बड़ा बच्चा आया था तो ये टेम नहीं हो पाया था। आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जाके हैकल जैकल लिखेंगे वो आ जाएगी वीडियो। तो उस वीडियो में मैं बड़े दिल से लाया था इन दोनों बच्चों को। इससे तो खैर ये काटता था तो मुझे थोड़ा डर रहता था, लेकिन वो जो है ना वो मेरे साथ रहता था, यहाँ बैठा, पर यार वो मर गया था। और यकीन मानो मैं रोना आ गया था उसके उसके भाई मरने पे, तो उसका मेरे को बड़ा दुख था। अब मैं बात करूँ दोस्तों, ऊपर का तो ये हो गया, ऊपर तो ये लगाने के हमने डव और जो अपने बजेज हैं और जो मतलब एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, जैसे मेरा सिंगल नर है वो और दोनों सिंगल ही हैं, तो वो रखे हैं। अब नीचे की बात करूँ मैं दोस्तों, तो नीचे हमारे पास एक ये होगो रोमो का जोड़ा है, लुटीनो आपके सामने लाए थे, ये हमजा वाले बजेज हैं और इन्होंने शायद अंडे दे दिए अंदर, और एक ये होगो रोमो का जोड़ा है। फिलहाल दोस्तों जो हमारा लुटीनो का जोड़ा है ना उसके बारे में मैं बताऊँ तो वो हांडी में जा जा के बैठ रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मेरा जितना अंदाजा है ये अंडे दे देंगे। तो माशाल्लाह से देखें अभी भी दोनों हांडी में, कोई भी नहीं है बाहर, ये देखें कोई भी नहीं है बाहर, दोनों अंडी में बैठे हैं। इनको सिर्फ हमने नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है और इंशाल्लाह ये अंडे जल्द दे देंगे। बाकी इनका मेरे को नहीं समझ आ रहा, ना होगो रोमो इनको लाए थे काफ़ी टाइम हो गया अंडे दे रहे हैं, ना ये वालों ने दिए हैं, और ये तो माशाल्लाह से अंडे देते ज़्यादा हैं और फेंकते उससे भी ज़्यादा हैं। तो ऑस्ट्रेलियन का तो आपको पता है, तो ऐसे ब्रीड करते हैं कि आते जाते हैं अंडे, आते जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मेरी बर्ड गवेरी इन्हीं पे मुश्तमिल हुई हुई है, मतलब कि इन्हीं पे कायम हुई हुई है, इतनी ही हैं। और नए जो जोड़े हुए हैं इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द लाऊंगा, पर अभी पहले थोड़ा सेटअप को हल्के हल्के करके अपग्रेड करते हैं क्योंकि गुंजाइश थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। चलो यार इनको अब बंद कर देते हैं दोस्तों, वो बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे हैं सारे, उनको खोलते हैं। भाई आज शुरुआत हम इनसे करेंगे हमारी, वहाँ चलो जाओ जल्दी जाओ, छोटे डॉन, छोटे डॉन के भरम ही अपने हैं दोस्तों। अबे इनको तो मैं भूल ही गया था कसम से दोस्तों, मेरे दिमाग में ही नहीं था। नहीं 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 बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, अंदर 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 बाहर नहीं। चलो भाई गेट खोले इनका सबसे पहले, तो ये डालूँ कैसे उल्टा से, जाओ 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 जाओ, बड़ा बड़ा बड़ा, अरे यार उल्टा आ गया। चलो अंदर 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 वे अंदर, छोटे डॉन खिचड़ी खाएं, आपके लिए अलग से बनवाई थी, आ जाए प्लीज़ खिचड़ी खाएं आप। एक तो ये सबसे बुरी आदत दोस्तों, चाहे जानवर हो इंसान हो, शादी होते ही गुलाम बन जाते हैं और सबसे पहले बीवी को खिलाते हैं, तो उसको दे रहा उठा उठा कि तुम गाओ को गए, यही मकसद होता है। ये उसको इनकी बता रहे होते हैं कि यार तुम खाओ बैठ के पहले, फिर मैं खा लूँगा, कब पता नहीं हमारा सुधरेगा माशरा। भाई मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना इस बात को। भाई दोस्तों आपके भाई ने सफाई कर दी है और सारा कचरा जितना था वो इधर कर दिया है, ये जगह पूरी क्लियर कर दी है, ये देखें पूरी साफ कर दी है। यार दरअसल बात सीधी है कि मुझे ना कचरा अच्छा नहीं लगता और गंदा गंदा हो रहा था ना सेटअप, बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसा पता नहीं कोई बैठे में ना क्या, मतलब एक बैठा नहीं जाता, सिर्फ शादी है बात है। आ जाओ भाई आप लोगों की बारी आ गई, माजरत, आ जाओ प्लीज आ जाए आप भी, ये लो भाई आ जाओ। ऐसे पंजे अच्छे लगते हैं जो डाइट डालते ही खाना शुरू करते हैं, बस सोचे ही नहीं किसी के बारे में, जो उनको दो ना वो खाएं, वो सब्जी हो रोटी हो दाल हो कुछ भी डाल दो वो खा जाए, रफू चक्कर कर जाए एक एक चीज़। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मे शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। अंडों पे बैठ जाके फौरन अंडों पे बैठ, मुझे कतई नहीं पसंद अंडों पे से कोई उठा हुआ हो, अंडों पे बैठाना है।